दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SSD में विंडो कैसे डालें। दोस्तों ये हमारे पास SSD है कंसिस्टेंट की, ये 128 GB की SSD है। इसमें हम PC के द्वारा विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें जो SSD आई थी उसको मैंने, जो हमारे PC का ये मदरबोर्ड है i3 सेकेंड जनरेशन, इसमें मैंने ये SSD को लगा दिया 128 GB की। और ये हमारी विंडो की पेन ड्राइव को मैंने इसमें अटैच कर दिया। अब हम इस CPU को ऑन करते हैं और उसके बाद विंडो सेटअप पर चलते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे CPU को ऑन करता हूँ। ये CPU जैसे ही ऑन होगा, मुझे यहाँ पे इसकी बूट की डिलीट है, तो जैसे ही मैं इसकी बूट की करूँगा तो यहाँ बूट सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद हमको इस ऑप्शन पर आना है, आप यहाँ पर देख सकते हो बूट। आप जैसे इस बूट ऑप्शन पर आओगे उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है हार्ड ड्राइव BBS पार्टीशन। अब जैसे इस पर आओगे उसके बाद में आपको फर्स्ट नंबर पर एंटर करना है बूट ऑप्शन फर्स्ट पर। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको फर्स्ट ऑप्शन पर सैनडिस्क को लेना है। जैसे आप सैनडिस्क को लोगे उसके बाद में आपको एस्केप दबाना है, जो अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन है इसको आपको दबाना है। जैसे आप दबाओगे बैक आ जाओगे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट में आ जाएगा विंडो बूटेबल बूटेबल ऑप्शन। जैसे ही आएगा आपको F10 दबाना है और इसको सेव करना है, यस करना है। जैसे आप यस करोगे उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा कुछ टाइम लेगा अपने जो बूट किया है उसका सेटअप होने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम इसमें विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए जो विंडो 10 का सेटअप है वो यहाँ पे आ चुका है। सिंपली हमको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे उसके बाद में इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ पे करने के बाद सेटअप इज स्टार्टिंग, या नीचे सेटअप स्टार्टिंग हो रहा है, ये आ चुका है विंडो एक्टिवेट। तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो हमको इस पर क्लिक करना है आई हैव डोंट एक्टिवेट की। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद में आप इनमें से कौन सी विंडो डालना चाहते हो। दोस्तों मैं इनमें विंडो 10 प्रो विंडो डालना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करोगे उसके बाद में एप्लीकेशन नोटिस एंड लाइसेंस टीम, आपको इसको एक्सेप्ट करना है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टीम। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करो दोस्तों ये हमारी 128 GB SSD है, ये 119.2 GB SSD आई है। दोस्तों ये बायोस वायोस में इसका जो सेटअप होगा उसके लिए इसने 10 GB के समथिंग हटा दिया। उसके बाद में सिंपली आपको अगर इसका पार्टीशन करना है SSD का, तो आप इसका पार्टीशन करना चाहते हो तो आप इसका पार्टीशन कर सकते हो। मेरे को इसका पार्टीशन नहीं करना है तो मैं इस यहाँ पे अप्लाई करके ओके पर करता हूँ। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे यहाँ पे 150 MB का सिस्टम रिक्वायरमेंट का बन गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में 119 GB का प्राइमरी बन गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ये कॉपी विंडो फाइल तो हो गई, अब गेटिंग फाइल रेडी टू इंस्टॉल, यह यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत टाइम लेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलिंग फ्यूचर और उसके बाद में इंस्टॉलिंग अपडेट फिनिशिंग अप। दोस्तों ये 3-4 सेटअप हैं, इनमें थोड़ा कोई टाइम लेगा, ये 2% तो हो गया। तो चलते हैं वीडियो में, ये थोड़ा कोई टाइम लेगा, इसको होने देते हैं तब तक।
आप ये देख सकते हो कि हमारी SSD में विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।